सारा फाइल खोलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये लोग जितने लोग सरकार में थे ना, ये सब ठेकेदार वाले सरकार थे, सबका इलाज होगा। और ये बालू माफियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, शराब माफिया से जुड़े हुए, एक एक व्यक्ति की जांच होगी। और ये जो लालू प्रसाद जी के बेटे बोल रहे हैं ना, खेला होगा, खेला के लिए हम लोग खिलौना उनको जरूर देंगे, आप चिंता मत। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे सपाट अल्फाज में बोल दिया है कि बिहार में अब माफिया राज का अंत होकर रहेगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में बोल दिया है कि एक एक फाइल खोली जाएगी, पूरा हिसाब किताब किया जाएगा और इस तरह के गोरख धंधों से जुड़े एक एक आदमी की जांच की जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साथ ही आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर भी नजरें तरेरी हैं। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्होंने उनके एक बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वो जो खेल होने की बात कहते हैं, खेलने के लिए खिलौना हम उनके हाथ में देंगे। सारा फाइल खोलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये लोग जितने लोग सरकार में थे ना, ये सब ठेकेदार वाले सरकार थे, सबका इलाज होगा। और ये बालू माफियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, शराब माफिया से जुड़े लोग, एक एक व्यक्ति की जांच होगी। और ये जो लालू प्रसाद जी के बेटे बोल रहे हैं ना, खेला होगा, खेला के लिए हम लोग खिलौना उनको जरूर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। सारा फाइल खोलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये लोग जितने लोग सरकार में थे ना, ये सब ठेकेदार वाले सरकार थे, सबका इलाज होगा। और ये बालू माफियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, शराब माफिया से जुड़े लोग, एक एक व्यक्ति की जांच होगी। और ये जो लालू प्रसाद जी के बेटे बोल रहे हैं ना, खेला होगा, खेला के लिए हम लोग खिलौना उनको जरूर देंगे, आप चिंता मत। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसी तरह की बातें एक सम्मेलन के दौरान भी दोहरा चुके हैं। उस समय उन्होंने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि अब बिहार में शराब माफिया, बालू माफिया और भू माफिया संभल जाए, वरना नेपाल भाग जाए या फिर उनका पिंडदान शुरू किया जाएगा, क्योंकि हमारे जाति में माफिया तो होता ही नहीं है। आज मैं उप मुख्यमंत्री हूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से हूँ। वहीं आरक्षण पर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार वालों को आरक्षण दिया है। लालू यादव पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री थे तो नौकरियां खा गए। आगे सम्राट चौधरी ने लोगों से अपील की कि 2024 के आम चुनाव और उसके बाद 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का खुलकर समर्थन करें। इस खबर में फिलहाल इतना है, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। सारा फाइल खोलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये लोग जितने लोग सरकार में थे ना, ये सब ठेकेदार वाले सरकार थे, सबका इलाज होगा। और ये बालू माफियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, शराब माफिया से जुड़े लोग, एक एक व्यक्ति की जांच होगी। और ये जो लालू प्रसाद जी के बेटे बोल रहे हैं ना, खेला होगा, खेला के लिए हम लोग खिलौना उनको जरूर देंगे, आप चिंता मत कीजिए।